हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट एंड क्रिएशंस बाय सोनिया आनंद। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वॉल हैंगिंग। इसे आप एज ए हैंगिंग प्लांटर्स, लाइट स्टैंड या कोई शोपीस रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक केक बेस लिया है। इसकी विड्थ अराउंड 10 इंचेस है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा साइज का कार्डबोर्ड ले सकते हैं। अगर आपके पास केक बेस नहीं है तो बेस के लिए आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। अब इसका आउटर फ्रेम बनाने के लिए यहाँ एक नॉर्मल कार्डबोर्ड लिया है। इसकी विड्थ अराउंड 4 से 5 इंच है। यहाँ मैं थोड़ा पतला कार्डबोर्ड ले रही हूँ ताकि इसे राउंड फोल्ड कर पाऊँ। इसे हम बेस कार्डबोर्ड के हिसाब से फोल्ड करेंगे और ग्लू से स्टिक करेंगे। क्योंकि कार्डबोर्ड थोड़ा लाइट लिया है तो इसे स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें एक लेयर और ऐड करके इसे डबल करेंगे। इसके एजेस रिफाइन करने के लिए थोड़ा अनइवन पार्ट कट करेंगे। इसके बाद यहाँ मैं मास्किंग टेप से साइड के एजेस को कवर करूँगी जिससे इसके एजेस स्मूथ रहें। अब इसके बेस पे कलर करेंगे। यहाँ मैं टर्कोइश ब्लू का कोई शेड लूँगी। बैक साइड में थोड़ा लाइट शेड देने के लिए यहाँ मैं वाइट के कुछ ड्रॉप्स डाल के स्प्रेड कर दूँगी। इससे थोड़ा लाइट टेक्सचर आ जाएगा। अब इसके आउटर सरफेस पे भी सेम कलर करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। कलर ड्राई होने के बाद इसमें अब कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं। मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स रखी हैं, इनसे मैं इसके आउटर सरफेस पे बॉर्डर बनाऊंगी। पहले बैक साइड पे इसकी 2 लेयर्स ऐड कर लेते हैं। अब ऐसे ही 2 लेयर्स फ्रंट में भी ऐड करेंगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि घर में जो सामान है उसी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकूं। सिरप बॉटल के साथ मेजरमेंट कैप्स आते हैं तो इनसे मैं कुछ सर्कल बनाऊंगी। ऐसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। अब इसमें थोड़ा स्मॉल साइज के सर्कल बनाने के लिए एक छोटा कैप ले लिया है। अब ब्रश से इन सर्कल में थोड़ा पैटर्न ऐड कर लेते हैं। अब बाहर अंदर टूथपिक या किसी स्टिक से थोड़े डॉटेड लाइन बना लेते हैं। अब इसको हैंग करने के लिए एक स्ट्रिंग लूंगी और इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए इसे फोल्ड कर देंगे। हैंग करने वाले स्ट्रिंग को ऐसे लगाएंगे जैसे ये कार्डबोर्ड को थोड़ा सपोर्ट भी दे दे, जिससे इसमें अगर आप कोई थोड़ा हैवी शोपीस भी रख देते हैं तो सपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हैंगिंग स्ट्रिंग को ग्लू से स्टिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग रेडी।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन्हें ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि हर कमेंट का आंसर कर सकूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Hit the bell icon for getting notifications of upcoming videos. Thanks for watching.